अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो सबसे डेंजरस, जहां पे सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं, और वो है अल्लाह की उलूहिया, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत में अल्लाह की वहदानियत बरकरार रखना। लेकिन मेरे भाइयों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बात क्या है वो तो समझ लो, क्योंकि आपको अगर कॉमन सेंस से ये बात समझ में आ गई ना, सबसे पहले आप अपने आप को बचा सकोगे इंशाल्लाह जिंदगी भर के लिए, दूसरा किसी और को बचा सकोगे। क्योंकि याद रखो, ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ना, बहुत सिंपल क्लियर है, बिल्कुल वाजे है, बहुत क्लियर है। इसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखा कि अल्लाह की रुबूबियत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है। रब अल्लाह है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, हर चीज का मालिक वही है, हर चीज का चलाने वाला वही है, हर चीज का बनाने वाला वही है, ये हमने देखा। दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा कि अल्लाह के नामों और सिफतों में अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। तीसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि अल्लाह की इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। अब यहां बात क्या है, बेसिक बात यह है कि इबादत क्या है, इबादत क्या है, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं करना, इबादत क्या है। इबादत के बारे में एक बहुत प्यारा डेफिनेशन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने दिया, उन्होंने बताया अल इबादा इस्मुल जामे। इबादा एक जामे लफ्ज है, जामे यानी एक लफ्ज में बहुत सारी माने हैं, लिकुल्ली मा युहिब्बुहुल्लाह व यर्दा, इसमें वो सारी चीजें आ जाती है जो अल्लाह जिससे खुश होता है, अल्लाह जिससे राजी होता है, अल्लाह को खास खुश करने के लिए इबादत वो सारे काम है। मिनल अक्वाल, चाहे कौल हो चाहे जुबान से हो, जैसे मिनल अक्वाल चाहे कौल जुबान से हो, जैसे जुबान से की हुई इबादत बताइए, दुआ, जिक्र, हा तलबिया, जो भी जो जिक्र अस्कार है। मिनल अक्वाल वल आमाल, किए हुए काम हो, जैसे नमाज, रोजा, अज़ाहिरा वल बातिना, चाहे जाहिर हो, ओपन हो या बातिना छुपे हो, छुपे हुए कुछ चीजें होती जो दिल की इबादत होती, जैसे अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह ताला पर बातें छोड़ना, अज़ाहिरा वल बातिना। तो मेरे भाइयों, यहां बात ये हो रही है कि सारी की सारी इबादत किसके लिए, अल्लाह के लिए। एक कॉमन सेंस की बात है कि जब सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है, जब सब चीज का मालिक अल्लाह है, कोई और किसी चीज का मालिक नहीं है, तो फिर इबादत किसी और की कैसे हो? क्या एक बंदा दूसरे बंदे की इबादत करेगा? सही बात क्या है, जब हर चीज का बनाने वाला अल्लाह है, तो क्या हम ऐसे की इबादत करेंगे जो खुद बना हुआ है, खुद बना हुआ है? क्या एक बना हुआ मखलूक दूसरे बने हुए मखलूक की इबादत करेगा? क्यों ना बने हुए बने हुए की इबादत करेंगे, जवाब क्यों ना बना हुआ खालिक बनाने वाले की इबादत करें, मखलूक खालिक की इबादत करे, एक मखलूक दूसरे मखलूक की इबादत क्यों करे? जो किसी चीज का मालिक नहीं है उसकी इबादत कैसे करें? जो खुद अल्लाह का मोहताज है उसकी इबादत कैसे करें? हर चीज का जो मालिक है उसकी इबादत करें ना, जो अल्लाह के हाथ में सब कुछ है अल्लाह ही की इबादत करें। जो किसी चीज का चलाने वाला नहीं है उसकी इबादत क्यों करें? क्यों ना उसकी इबादत करें जो हर चीज का चलाने वाला है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसके हाथ में कुछ नहीं उसकी इबादत क्यों करें? तो मेरे भाइयों, सही बात क्या है, कॉमन सेंस की बात है कि सारी इबादत होनी चाहिए सिर्फ अल्लाह की। अब इस ताल्लुक से हम पहले दलायल देखेंगे, और दलायल में सबसे पहली दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनें, आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो, आपके अंदर एहसास है अल्लाह के एहसानों का, तो सबसे प्यारी और सबसे कीमती चीज आप इंसानों के लिए ये कर सकते हैं कि आप ये बात को सीखें और किसी को सिखाएं, आप सीखें और लोगों को बताएं। अगर आपने किसी को तौहीद का पैगाम बताया तो आपने सबसे प्यारी चीज बताई, सबसे कीमती चीज बताई। तो ये बहुत अहम है हम सब के लिए कि हम लोग ये बात को सीखें और सिखाएं कि वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह कहता है मैंने बनाया है जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए। और हम देखते हैं सूरतुल इसरा में सूरह 17 आयत नंबर 23, वकदा रब्बुका, तुम्हारे रब ने फैसला किया, अल्लाह ताबुदू इल्ला इयाहू, कि तुम नहीं इबादत करो सिवाय अल्लाह की। इबादत किसकी होनी चाहिए? सिर्फ अल्लाह की, नहीं इबादत होगी सिवाय अल्लाह की। तो यहां पे बात क्या है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के, सारी इबादतों पर सिर्फ अल्लाह की इबादत हक है, क्योंकि कोई और इबादत के लायक ही नहीं है।
अल्लाह ही है जो उन इबादतों के लायक है, क्योंकि वही है जो वो डिजर्व्स इट, कोई और डिजर्व ही नहीं करता, किसी और का उसका मुस्तहिक ही नहीं है कि इबादत की जाए। जो मखलूक है उसकी इबादत करेंगे, जो खुद मोहताज है उसकी इबादत करेंगे, जो खुद बना हुआ है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, जो किसी चीज का मालिक नहीं, उसकी इबादत करेंगे। तो सही बात क्या है, सिर्फ अल्लाह इसका मुस्तहिक है कि अल्लाह की इबादत की जाए, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं मेरे भाइयों, अल्लाह ताबुदु इल्ला इयाहु, नहीं इबादत करो सिवाय अल्लाह की। यहां पे क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम गॉड से भी मांगते हैं, इनसे भी मांगते हैं, अल्लाह से भी मांगते हैं, मखलूक से भी मांगते हैं। यहां पे क्या है, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं, तुझसे भी तलब करते नहीं, तुझसे ही तलब करते हैं। अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, तुम्हारे रब ने मुकर्रर किया नहीं इबादत करो सिवाय अल्लाह की। तो नहीं करना है कोई और इबादत, यह है तौहीद, कि किसी और की इबादत नहीं होगी। हमारी सारी इबादत, हमारी सारी वर्शिप, और सारे इंसानों के एतबार से सारी पूजा, उपासना, बंदगी, सब चीज पर सिर्फ एक हमारे मालिक का हक है, किसी और का नहीं। सारी इबादत सिर्फ उसे एक मालिक के लिए। और हम देखते हैं कि कुरान की आयत है सूरह नाम की, सूरह 6 आयत नंबर 162, कुल कह दो उनसे, इन्नस सलाती, बेशक मेरी नमाज, वो नुसुकी मेरी कुर्बानी, नमाज मेरी कुर्बानी, वो माहिया या मेरी जिंदगी, वो ममात मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह ही के लिए जो सारे जहानों का रब है। तो हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारी जिंदगी, हमारी मौत, सब अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। सारी की सारी इबादतों पर किसका हक है, अल्लाह का हक है। हाँ, इबादतें किसके लिए, अल्लाह के लिए। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनें, बहुत एक बेसिक बात है जो हम सबको समझना है, बहुत बेसिक बात है, यही तो बात समझानी है भाई, कौन सा पहाड़ है। सबसे सिंपल बात, सबसे कॉमन सेंस की बात यही है कि सारी इबादत पर सिर्फ अल्लाह का हक है।